स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सभी जिले के जिला अधिकारी इस समय अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने मतगणना को लेकर अपनी कमर कस ली है क्योंकि 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसको लेकर कई सारी तैयारियां जिला प्रशासन को करनी थी जो अब तक लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद में 2 विधानसभा है, जिसमें भिनगा 289 विधानसभा में 31 राउंड में मतगणना होगी, और वही श्रावस्ती की अगर बात करें तो विधानसभा 290 में 35 राउंड में मतगणना होगी। तो आपको बता दें कि आखिरकार जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतगणना को लेकर क्या कुछ कहा गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए 10 मार्च मतगणना की तिथि नियत है। हमारे यहाँ सारी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। हमारे यहाँ मतगणना का स्थल ये कलेक्ट्रेट का कंपाउंड है। यहाँ पर तथागत सभागार एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक में एसी भिनगा का काउंटिंग होगा और दूसरे में श्रावस्ती की काउंटिंग होगी। प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है। ईवीएम मशीन का स्ट्रॉन्ग रूम भी कलेक्ट्रेट कंपाउंड में ही है, वहाँ से ईवीएम मशीन्स लाई जाएंगी, उसके लिए एक सेपरेट कॉरिडोर बनाया गया है। हमारे काउंटिंग हॉल में पर एसी 14 टेबल्स लगे हैं, उसके अलावा 3 टेबल और लगे हैं, जिसमें 2 पे पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी और 1 पर ETBPS की काउंटिंग होगी। हमारे भिनगा विधानसभा में 424 बूथ्स हैं, तो इसमें हमारे करीब 31 राउंड्स लगेंगे काउंटिंग के लिए, और श्रावस्ती में 480 बूथ्स हैं, वहाँ पे 35 राउंड्स लगेंगे। तो हमने एस्टिमेट किया है कि करीब 7 से 8 घंटे में हमारा काउंटिंग पूरा हो जाना चाहिए। विजय जुलूस को मैं क्या करने के लिए? विजय जुलूस निकालना प्रतिबंधित है और आयोग के जो भी निर्देश है उसका पालन किया जाएगा, और सबको बता दिया गया है कि विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। नहीं, वो सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये आयोग के स्पष्ट गाइडलाइंस है कि इस तरह से कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होना है। अगर कोई पाया जाता है क्या करेगा? आयोग के जो भी उसमें गाइडलाइंस है, जो आयोग की तरफ से कार्यवाही प्रस्तावित है वो की जाएगी। मन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इकदाम किए गए? कितनी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है? कितने जो अब तरह के पुलिस फोर्स है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स भी है और जिले की फोर्स है, तो उसमें क्या कैसे क्या व्यवस्था किया गया है? यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है, वहाँ पर सेंट्रल पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, CISF के जवान हैं, वो 24 घंटे स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी कर रहे हैं। काउंटिंग के समय भी यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, उनको ड्यूटी स्थल उनका बता दिया गया है। हमारे सेपरेट एंट्री है, काउंटिंग एजेंट्स की अलग गेट से एंट्री होगी, वहाँ गेट पर भी सारे पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है।